वेल माई डियर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज इंस्पेक्टर सेक्शन फोर्टीन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट माई डेयर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ये इंस्पेक्टर्स कौन है इनको कौन अपॉइंट करता है इनका काम क्या है तो लॉ जो है वो रेलिवेंट पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है नेचुरली पेमेंट ऑफ वेजेस के ऊपर क्या अमल दरामद फैक्ट्रीज और इस्टेबलिशमेंट्स में हो रहा है कि नहीं ये नेचुरली जिम्मेदारी है वो इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्ट करने सेक्शन फोर्टीन हेडिंग इंस्पेक्टर्स सब सेक्शन वन एन इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन सेक्शन ऑफ ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर शेल बी एन इंस्पेक्टर फॉर द परपजेज ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज विद इन द लोकल लिमिट साइन टू हिम तो जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1934 का उसके तहत जो इंस्पेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के भी इंस्पेक्टर कंसिडर किए जाएंगे द गवर्नमेंट मे अपॉइंट इंस्पेक्टर्स फॉर द परपजेज ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल परसन एम्प्लॉयड अपॉन अ रेलवे और टू हूम दिस एक्ट अप्लाइज माइड स्टूडेंट्स द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफिशियल गैजेट आपको पता है क्या है ये बेसिकली एक गवर्नमेंट का न्यूजपेपर है जिसमें तमाम पोस्टिंग्स और लॉज वगैरह जो है वो पब्लिश होते हैं तो द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच अदर पर्सन इंस्पेक्टर्स के अलावा भी गवर्नमेंट लोगों को अपॉइंट कर सकती है एज इट थिंक फिट्स टू बी द इंस्पेक्टर्स फॉर द परपजेज ऑफ दिस एक्ट And may define the local limits within which and the classes of factories and industrial establishment in respect of which they shall exercise their functions तो नॉर्मल जो इंस्पेक्टर्स हैं वो तो मौजूद हैं लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई गवर्नमेंट चाहे कुछ लोगों को इंस्पेक्टर के आ, जिमन में अपॉइंटमेंट्स दे सकती है अब इंस्पेक्टर का काम क्या है एन इंस्पेक्टर मे एट ऑल रीजनेबल आर्स देखिए रीजनेबल का लफ्ज जो है ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता कि रीजनेबल क्या चीज है इसका रीजनेबल का मतलब है सूटिंग टू सरकमस्टांसेस तो अगर कोई फैक्ट्री रात के वक्त काम करती है तो फिर रीजनेबल आर्स वो रात को ही है अगर दिन में बंद है रात को काम करती है तो रीजनेबल आर्स जो है वो रात के होंगे अगर दिन को काम करती है तो रीजनेबल आर्स दिन के होंगे और कौन सा वक्त होगा नेचुरली वो आर्स जिसमें जो कि वर्किंग टाइम है उसमें वो इंस्पेक्टर जो है वो फैक्ट्री में एंटर हो सकता है और चेक कर सकता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि रिलेटेड टू हैं कैलकुलेशन ऑफ और या पेमेंट ऑफ वेजेस से मुतक और अदरवाइज सच एविडेंस ऑफ और कोई ऐसी एविडेंस जो कि वायोलेशन की है वो भी वो कलेक्ट कर सकता है और माई डियर स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज में जा रहा है तो उसकी कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए सरकार का वो बंदा है तो उसके बारे में सब सेक्शन कहता है एवरी इंस्पेक्टर शैल बी बी टू अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान कोड पर एक और लॉ जो है ये पाकिस्तान का जो है त, ताजीरात का जो लॉ है पाकिस्तान पीनल कोड उसमें जो डेफिनेशन है जो पब्लिक सर्वेंट की उसके तहत इंस्पेक्टर जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किया गया है ताकि इसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू जो है वो कानून की निगाह में क्या है और लोगों को मालूम क्या होनी चाहिए ये पता चले ताकि वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकें और यकीनी बनाएं कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो प्रॉपरली फैक्ट्रीज और स्टेब्लिशमेंट में अप्लाई हो रहा है होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच